हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, आज मैंने बाल धुले हैं तो बस इन्हीं को सुखाने लग रही हूँ। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाऊँगी और जो ये मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों की इज्जत है कि जो आपने मुझे भर भर के दी है। मेरे कम सब्सक्राइबर सही, लेकिन पता है मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ। सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपने प्यार और अपने विश्वास को बनाए रखिएगा मेरे लिए और हमेशा मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए गाइस, मैं नहा कर तैयार हो चुकी हूँ। ये वाला ड्रेस मैंने वियर किया है और आप सब लोग जानना चाहते थे ना कि मेरे बाल कितने लंबे हैं, तो देखिए ये है मेरे बालों की साइज। हाँ, थोड़ा अभी मेरे बालों की जो ग्रोथ है वो कम हो गई है क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, यहाँ तक है मेरे बाल। और ये जो मेरे ऊपर शाइनिंग आ रही है ना, ये सब आप लोगों की दुआएं हैं और आप लोगों का प्यार है मेरे लिए, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया है। थोड़ा सा मैं यहाँ से मोटी हूँ और कहीं से नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मेरा जो काम है ज़्यादातर बैठे रहने का है, ऐसे बैठी रहती हूँ मैं, तो ये चीज़ थोड़ी अंदर जाएगी और नया ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी देखने को मिलेगा। और हमेशा ऐसे ही अपनी दुआएं सब कुछ अपना मेरे लिए ऐसे ही बनाए रखना आप लोग। और हमारे चैनल पे लेडीज़ की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे और हमेशा पॉजिटिविटी को रखेंगे। हमें किसी के लिए कुछ नहीं बोलना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कर्मास हमेशा बैक आते हैं और आएंगे, बस मैं इतना जानती हूँ। चलिए आप चलते हैं अपने कारवा की तरफ, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, ज़रूरतमंद लोग, तो वहाँ जाती हूँ। बाय गाइस, लव यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का कहते ना एक अच्छा साथ है जो आप लोग मुझे निखारे जा रहे हैं। हमेशा अपने प्यार को ऐसे ही बनाए रखना। बाय बाय, बाय ऑल ऑफ यू। चलिए गाइस, अब बनाने जा रहे हैं हम शाम का खाना, क्योंकि मैंने आज सुबह, मैं एक ही टाइम खाना खा रही हूँ आजकल, तो मैंने सुबह कुछ खाना वाना नहीं खाया था, तो इस टाइम मैं खाना बनाने जा रही हूँ। देखिए खाने में मैं क्या बनाने जा रही हूँ। ये मेरे पास एक छोटी सी गोभी है और ये एक गाजर और एक थोड़ा बड़ा सा आलू है, तो इससे क्या है मेरी मिक्स वेजिटेबल बन जाएगी। और इसमें थोड़ी सी मैंने मूंग दाल भिगो के रखी है, तो मैं इसी में खुली मूंग दाल बनाऊंगी जैसे मैंने उस दिन बनाई थी। और सारा काम पड़ा है, पड़े हैं गंदे, पूरा किचन साफ़ करने को, धीरे धीरे करके मैं सारे काम निपटा लेती हूँ। पहले मैं काटती हूँ सब्जी, सब्जी को छौंक के दाल को रख के फिर मैं बर्तन साफ़ करूँगी और फिर चाय भी बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। अभी कोई मेरा कैमरा पकड़ने वाला तो है नहीं कि मैं कैमरा दे दूं और फिर दुनिया को मैं दिखाती रहूं, तो कैमरामैन है नहीं मेरे पास, तो क्या है, हम खुद ही कैमरामैन खुद ही बन लेंगे हम। इसी में सब्जी काट लेते हैं, इसी में चाय बना, है ना, इंटेलिजेंसी का काम। ये मैं आलू छील रही हूँ और एक इंसान है एकम वीर करके, ठीक है, अब मुझे नहीं पता किसकी आईडी से वो आ रहा है, बार बार मैसेज कर रहा है। तो देखिए, सास की रही बात, मैं अपनी सास से बहुत प्यार करती हूँ, वो बात एक अलग बात है, लेकिन जब मैं पुरानी चीज़ें याद करती हूँ ना, तो फिर कहे बगैर रहा नहीं जाता, क्योंकि जिस टाइम मुझे प्रदीप जी की ज़रूरत थी, जिस टाइम इन दोनों की भी ज़रूरत थी, मतलब सास ससुर की भी, उस टाइम ये लोग मुझे छोड़ के भागे थे, वो तो एक इतिहास के सुनहरे पन्नों पे लिख चुका है, वो चीज़ नहीं मिट सकती। हाँ, मैं भूलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप जैसे लोग मुझे भूलने नहीं देते। और मेरी डिग्री को झोला छाप डॉक्टर कहा गया था,
तो आप पहले उनकी वीडियो जाके देख लें, फिर मेरे लिए कुछ लिखें, और मुझे आप जैसे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भीड़ बढ़ाएं आप लोग, ठीक है। मेरे पास नहीं मैसेज करें तो अच्छा है, फालतू में मैं आपको कुछ कह दूं कि आप मुझे कुछ कह दें तो हम दोनों के खिलाफ ही ये एक गलत एक्शन होगा। तो आप अपने जीवन में खुश रहें, मुझे मेरे जीवन में खुश रहने दें, भगवान आपकी रक्षा करें और आपको सारी खुशियाँ दें। गॉड ब्लेस यू। एकमवीर आईडी जो भी है, लेडी होगी 101%, कोई जेंट्स नहीं होगा, लेकिन मुझे खैर इन चीज़ों से वो उस दिन की लाइफ के लिए ये सब कुछ बोला है मैंने, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा था, वो मेरी प्रॉब्लम है ना। और रही बात, आप कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांग लेती, तो मैंने शायद 1500 बार माफ़ी मांग ली उस इंसान से। अब मैं माफ़ी मांगना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि जब सामने वाला ही सब कुछ करके बैठा है तो मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि बार बार माफ़ी मांगती रहूँ। अब मैं माफ़ी नहीं मांगूँगी, क्योंकि मेरी कोई फॉल्ट नहीं है और इस बात को 1 साल होने को जा रहा है। चलिए गाइस, आपको मैं बना के सारा खाना फिर दिखाती हूँ, और खाते टाइम भी मैं शूट करूँगी। देखिए गाइस, तेल हो चुका है, इस तेल में मैं डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा, ठीक, और फिर इसमें जो आजकल खुद के आ रहा है लहसुन, वो लहसुन है, ये लहसुन डालूँगी और फिर देखते हैं हम। देखिए ये सारी मैंने वेजिटेबल डाल दिए, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, और ये डालेंगे मिर्ची, ठीक। फिर इसे मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर बाद मैं नमक डालूंगी। और दूसरी तरफ देखिए ये झाग आ गए, ये मेरी वो दाल बन रही है, मूंग वाली दाल, ये सब बन। देखिए गाइस, ये मैं चाय के लिए थोड़ा सा पानी खौला रही हूँ, और देखिए इधर मेरी दाल, आप लोगों को पता है आजकल मुझे उबली दाल मूंग की बहुत पसंद है। अभी थोड़ा सा पानी डालूंगी, फिर ऊपर से मैं छौंक लगाऊंगी उसका, हींग का। और ये देखिए मेरी कितनी टेस्टी सब्जी बन चुकी है। तो गाइस आ जाइए, खा लीजिए सब लोग रात के, कम ऑन आ जाओ, टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह का टाइम है, सूरज काफ़ी अच्छा निकल चुका है, अब मैं फटाफट से चाय पी तैयार होंगी। देखिए मैंने चाय बना ली है जैगरी पाउडर वाली, मैं नहाऊंगी चाय पी के, फिर तैयार होके पूजा करके हॉस्पिटल चली जाऊंगी। छोटी सी मेरी ज़िंदगी है और बहुत सारा आप सब लोगों का प्यार है और साथ है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और जिसको जो कहना है उसे कहने दीजिए, किसी का नाम मत लीजिए। और अपन को एक्चुअली क्या है ना, हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो लोग बाग टांग खींचेंगे ही। ये चीज़ मैंने 2-3 दिन में महसूस करी है, हमको गलत ट्रैक पे नहीं जाना, किसी को कुछ नहीं कहना, बस अपना काम करना है, खुशियाँ बांटनी है एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना है हमें। क्योंकि यहाँ 10 लोग मुझे पसंद करेंगे तो 20 लोग मेरे को बैड कमेंट भी करेंगे, तो मुझे बैड कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना है। रही बात मेरा हस्बैंड आया है कि नहीं आया, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, और हर किसी को मैं टैग नहीं दिखाऊंगी, ठीक। और मैं तो ये टैग भी नहीं दिखाऊंगी कि मैं शादीशुदा हूँ कि नहीं, तो इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा एक्सेस में हो जाएगा तो उसके लिए एक अलग इलाज होता है, और उसी इलाज को करना चाहिए कि ज़्यादा एक्सेस में हो तो फिर क्या। बहुत सारे लोगों की वो रहती है कि हमारी पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई, हमारे कोर्ट पुलिस कंप्लेंट नहीं ली, लेकिन आप सही पुलिस कंप्लेंट करेंगे, सच बात पे पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो पुलिस आपका साथ देगी, है ना। तो अपन को किसी को कुछ नहीं कहना। और रही बात ऐसे लोग हमेशा भौंकते रहते हैं, इनको सिर्फ भौंकना आता है और कुछ नहीं। और आज है ट्यूसडे,
हनुमान जी का दिन है, सब लोग हनुमान मंदिर जाया करो, पूजा किया करो, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने से शक्ति मिलती है। और हनुमान जी राम जी के बहुत बड़े सेवक थे। हनुमान जी की पूजा करने से राम जी की भी, राम जी का साथ भी मिलता है। तो हमेशा अपने आप को अच्छा रखें, स्वस्थ रखें। देखिए अब मैं भी सही हो गई हूँ, ऑलमोस्ट मेरा ब्लड प्रेशर सही है। थोड़ा सांस लेने में होता है मुझे प्रॉब्लम, मेरी सांसें फूल जाती हैं, तो उसका भी इलाज करेंगे धीरे धीरे। देखो सारी चीज़ें धीरे धीरे ट्रैक पे आने लगती है। और हाँ, प्रदीप जी और मैं आपको बहुत बड़ा मतलब सरप्राइज़ देने वाले हैं। प्रदीप जी ने कहा है कि मुझे बहुत मजबूत बनना है, और हमेशा ज़िंदगी किसी के सहारे से नहीं चलती, भले चाहे वो भाई का सहारा हो, चाहे पति का सहारा हो, जीना अकेले ही पड़ता है। तो अकेले जीने के लिए हमको पहले मजबूत होना पड़ता है। तो वही मजबूत होने के लिए उन्होंने कुछ टिप्स मुझे दिए हैं। और किसी चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, वो चीज़ जब कंप्लीट हो जाएगी मेरी, तो मैं खुद दिखाऊंगी आपको उस चीज़ को। सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। उस सरप्राइज़ को थोड़ा टाइम लगेगा सामने आने में, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे उन्होंने ये बात कही और चीज़ों को अवेलेबल करवाया मेरे लिए। और मैं रोज़ शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक वहीं जाती हूँ उन्हीं के उस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोग हमेशा मेरे लिए बस यही दुआ करते रहना कि मैं अपनी जगह पे स्ट्रांगली खड़ी रहूं। समय का कुछ नहीं पता, कौन कब किसके अगेंस्ट हो जाएगा, कौन कब क्या हो जाएगा। देखिए, और सिंगल मदर्स को, जो सिंगल मदर हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं, पढ़ा रही है, लिखा रही है, हमेशा मैं उनके लिए ही खड़ी रही हूँ यहाँ चैनल पे। तो उनके लिए यही कहना है कि ज़िंदगी में कितने भी गहरे वो क्यों नहीं हो, सहारे एक ना एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। प्रदीप जी ने भी मेरा ऐसे मौके पे साथ छोड़ा था ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं कि अवेयर कराने से लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो होना था वो तो हो ही गया। तो मैं भी वहाँ अकेले खड़ी थी ना, अगर मैं खड़ी नहीं होती तो शायद इस दुनिया में इतनी प्यारी सी बच्ची है कुकू, वो नहीं होती। उसको मैंने अकेले पैदा किया है, अकेले मैं पाल रही हूँ, और आगे भी। पापा का क्या है, पापा तो फौजी हैं, इतना टाइम नहीं दे पाएंगे घर को। मेरे हस्बैंड फौजी हैं, उनकी जिम्मेदारी फौज के प्रति बहुत सारी है। तो अकेले ही मुझे अपने सास ससुर को भी संभालना पड़ेगा और इस टूटे हुए घर को भी संभालना पड़ेगा। मैं संभालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जिस हिसाब से वे ऑफ टॉक मेरे सासू माँ का चल रहा है, कल परसों भी वो किससे फ़ोन पे बात कर रही थी, कोई उनसे पूछ रहा था, इन्फॉर्मेशन ले रहा था घर की कि क्या हुआ बेटे बहू के बीच। तो उन्होंने कहा हमारा कुछ नहीं हुआ, हम तो केस वापस नहीं लेंगे। तो लालत है उस पूछने वालों पे और लालत है इस बताने वाले को, है ना। आज नहीं तो कल पूर्ण रूप से मुझे और प्रदीप जी को एक होना होगा। और नहीं भी हुए हम एक, तो मैं ऑलरेडी, भगवान ने और समय ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि मैं अपनी बच्ची को बाय स्टैंडर अकेले पाल सकती हूँ। ठीक, मुझे अब ज़िंदगी से ज़्यादा उम्मीदें रही नहीं हैं, और किसी भी सिंगल एक पर्सन से ज़्यादा उम्मीद रही नहीं है। जिसको जो करना है वो कर सकता है। मुझे बस जिस चीज़ के लिए मुझे भेजा गया है इस दुनिया में, मुझे कुकू के लिए ही भेजा गया था। ये सब चीज़ें होकर भी कुकू आई है इस दुनिया में, मुझे उसके लिए जीना है, मुझे उसके लिए पैसे कमाने हैं, मुझे उसके लिए इतनी अच्छी चीज़ें खड़ी करनी है कि उसे भी एक दिन ये कहने में बिल्कुल तकलीफ़ ना हो कि मैं एक सिंगल मदर की बेटी हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे अकेले पाला है। मुझे अपनी बच्ची के लिए बहुत अच्छे संस्कार देने हैं। तो मैं इसी उधेड़बुन में दिन भर लगी रहती हूँ। और कुकू एक बहुत अच्छी लड़की बने, बहुत अच्छे संस्कार हो, मुझे नहीं पता आगे चल के वो डॉक्टर बनेगी कि क्या बनेगी, लेकिन वो जो भी बनेगी एक बहुत अच्छी इंसान बनेगी और सबकी हेल्प किया करेगी अपनी पोजीशन पे बैठ के।
बस मैं यही चाहती हूँ और मेरी ऑडियंस को बहुत सारा ढेर सारा प्यार और दुआएं हैं कि वो जो भी दुआ मांगे भगवान उसे कबूल करे और भगवान उसे पूरा करे। और सबके चैनल्स बहुत अच्छे से चलें, सबको कुछ ना कुछ वहाँ से आय मिले ताकि उनके जो ड्रीम्स हैं वो कंप्लीट हो। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और मेरे हर ब्लॉग में बहुत ढेर सारा प्यार डाला करो। और अब प्रदीप जी वापस भी आएंगे क्योंकि अब होली आने वाली है और महाशिवरात्रि की भी मुझे तैयारी करनी है, मेरा फास्ट होता है उस दिन। तो चलिए आप सब लोगों को कहते हैं बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।